नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वेदांशी टेक्निकल क्लासेस में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में राजस्थान टेक्निकल हेल्पर का जो मेन एग्ज़ाम होने वाला है, मेन परीक्षा जो होने वाली है, उसकी एग्ज़ाम डेट के बारे में एक महत्वपूर्ण अपडेट में लेकर आया हूं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेगा। और गाइस, साथ ही साथ यदि आप लोगों को ITI जॉब से रिलेटेड रेगुलर अपडेट प्राप्त करना है, ITI कैंपस प्लेसमेंट से रिलेटेड यदि आप लोगों को रेगुलर अपडेट प्राप्त करना है, ITI प्राइवेट कंपनीज में जो भी वैकेंसीज अवेलेबल होती है उनसे रिलेटेड यदि आप लोगों को रेगुलर अपडेट्स प्राप्त करना है, तो आप लोग सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। तो ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ देखिए गाइस, भारत जी बेनीवाल ने ट्वीट किया है, आज टेक्निकल हेल्पर भर्ती को लेकर ऊर्जा भवन में राकेश शर्मा जी से मुलाकात की। ऊर्जा भवन में जो है इन्होंने राकेश शर्मा जी से मुलाकात की। मुख्य परीक्षा तिथि घोषित करने को लेकर चर्चा हुई है, तैयारी के लिए थोड़ा समय देने का आग्रह किया है। तो इन्होंने आग्रह किया है कि स्टूडेंट्स को जो है तैयारी के लिए थोड़ा समय मिलना चाहिए। ठीक है, वैसे सभी स्टूडेंट्स भी चाह रहे हैं, जो भी प्री एग्ज़ाम में सिलेक्ट कैंडिडेट्स हैं उनका भी यही मानना है कि मेन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो है लगभग 1-2 महीने का समय मिलना चाहिए। अब आगे देखिए, इन्होंने कहा है कि उन्होंने संभावित तिथि, जो राकेश शर्मा जी है इन्होंने संभावित तिथि बताई है, 25 जुलाई, 1 अगस्त और 7 अगस्त बताई है। ठीक है, 31 को राकेश जी का रिटायरमेंट है, उनके बाद भर्ती। तो 31 को जो है इनका रिटायरमेंट है राकेश जी का, और मेनली रिटायरमेंट से हमें कुछ लेना देना है नहीं, हमें जो है जो मेन एग्ज़ाम की डेट है उससे लेना देना है। तो यहाँ पे इन्होंने संभावित जो डेट है वो बताई है 25 जुलाई को हो सकता है, या फिर 1 अगस्त या फिर 7 अगस्त। आप सभी को पता है गाइस कि जो टेक्निकल हेल्पर प्री एग्ज़ाम में सिलेक्ट कैंडिडेट्स हैं वो लगभग 16-17 हज़ार हैं, तो शायद जो ये एग्ज़ाम है वो केवल एक दिन में हो सकता है। ठीक है, तो कोई एक डेट होगी, उस डेट को जो है एग्ज़ाम होने के चांसेस है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उन सभी कैंडिडेट्स को, उन सभी स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगा, जो टेक्निकल प्री एग्ज़ाम में सिलेक्ट हैं, अपनी तैयारी को और ज़्यादा स्पीड से बढ़ा दें, तैयारी को जो है फुली डेडिकेटेड और ईमानदारी के साथ पूर्ण मेहनत के साथ करते रहें, ताकि इस वैकेंसी में आप लोगों का सिलेक्शन हो सके। तो गाइज, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।